हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी ने सोचा शाम के स्नैक्स में साबूदाना वड़ा बनाया जाए, और मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों से शेयर किया जाए। ये रेसिपी आप लोग व्रत वाले दिनों में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर घर में गेस्ट आए हैं तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन जाता है साबूदाना वड़ा। तो रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ एक कटोरी में मैंने ले लिया है 2 बॉयल्ड आलू मैश किया हुआ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सोख किया हुआ साबूदाना। तो यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी साबूदाना डाला है जो कि मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, और छोटे साबूदाना यूज़ करें इस रेसिपी में। और अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ मूंगफली जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इस रेसिपी में। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा ग्रीन चिली चॉप किया हुआ, आप चाहे तो इसे दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, आप धनिया पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने यूज़ नहीं किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम अपने हाथों में लगा लेंगे तेल और इसमें से छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसे डाल देंगे गरम तेल में फ्राई होने के लिए, और साबूदाना वड़ा एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। एकदम बाहर से क्रिस्प होगा और अंदर से नरम, बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है साबूदाना वड़ा। तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हम पलट देंगे। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।